थर्ड नंबर वन टीम इंडिया है जो नंबर वन की बात चाहत लेकर तीनों फॉर्मेट में घुसने वाली है वर्ल्ड कप में। कमाल की सीरीज, कमाल का मैच और टीम इंडिया यार कमाल की है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी 11 बॉक्सेस थे वो सारे टिक हो गए हैं। इनफैक्ट 3-4 बॉक्सेस ज्यादा टिक हो गए हैं जो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को माइग्रेन देने वाले हैं कि बाबू खिलाएं किसे। इतने ऑप्शंस ज्यादा हो गए यार। रविचंद्रन अश्विन यार रिस्पेक्ट है मैन, कमाल की आप यार। मतलब ये जो ब्रांड अश्विन है ये अपने आप में ना है। सूर्या कमाल है यार, आउटस्टैंडिंग यार। श्रेयस अय्यर लाजवाब हो तुम यार। ईशान किशन यार तुम भी बेहतरीन हो यार, मतलब हर आदमी बेहतरीन है। इस सीरीज को याद रखा जाएगा केएल राहुल की कप्तानी के लिए, जिसने तमाम सीनियर खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में टीम एफर्ट के साथ भारत को अविजय बना दिया कि मतलब हरा सकते नहीं हो। क्या डोमिनेंस था ऑस्ट्रेलिया पर। एशिया कप हमने जीता सितंबर के महीने में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से हम आगे हैं और अब जब वर्ल्ड कप सामने है तो फिर हम कमाल होने वाले। वैसे राहुल की कप्तानी पर चर्चा होगी क्योंकि केएल राहुल ने आखिरी के 9 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं सब में जीत दर्ज की। जीत। वैसे मुझे लगता है कि दो अगर आइडिया मान ले रोहित शर्मा मेरा तो मामला टाइट हो जाएगा। एक, आप रविचंद्रन अश्विन को टीम में घुसाइए, आप उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाइए। अश्विन कुलदीप यार, मतलब आप चलो हर मैच ना भी खिलाओ लेकिन जो आपके टर्निंग ट्रैक वाले मैचेस होंगे, जैसे लखनऊ का मैच होगा, आपका चेन्नई का मैच होगा या दिल्ली का मैच होगा, प्लीज यहां पर आप अश्विन को शामिल करो। अश्विन एक शमी को गया और इंडिया मैच जीत गई और हम वर्ल्ड कप में अब नंबर वन बन जाएंगे। मीडिया के लगातार दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत के बाद ना सिर्फ भारतीय टीम आईसीसी रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट्स में नंबर वन पर आ गई है, बल्कि अब टीम इंडिया नंबर वन रैंकिंग के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। टीम इंडिया के इस परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर